1991 मैं 60 साल का हो गया। अब मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। मैं चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलूं। मैं तजुर्बे और वो तमाम बातें कलमबद्ध करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी जीवन लिखूं। और तभी मैंने ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों के नाम लूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों का नाम लूं, बल्कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। मिसालें और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां। मैं रामेश्वरम के मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जनुल आब्दीन, ना उनके पास तालीम थी न दौलत, लेकिन इतनी मजबूरियों के बाद भी वो बहुत दयालु थे। उनके पास हौसला था और मेरी मां जैसी मददगार। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू आते थे हमारे इलाके में। बहुत पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ाने ले जाते थे। मेरी जिंदगी का वो पहलू जो मेरे स्कूल से शुरू हुआ।